गाजा से अलग नहीं है लेबनान की तस्वीर। तबाही का मंजर एक सा है और तबाह करने वाला भी एक ही है, इजराइल। हमास के चीथड़े उड़ाने वाला इजराइल अब लेबनान के हिजबुल्ला पर मौत बनकर बरस रहा है। हिजबुल्ला के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है इजराइल। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की। हमला राजधानी बेरूत के दाहिये इलाके में किया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 66 लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में हिजबुल्ला की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल के सदस्य इब्राहिम अकील भी शामिल है। इब्राहिम अकील की मौत से हसन नसरल्ला क्यों रोया खून के आंसू, इसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी ताज़ा हमले की डिटेल देखिए। लेबनान के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने हमला F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया। हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्ला के लड़ाके मौजूद थे। इससे पहले दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने 70 हवाई हमले किए थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। इनमें 1000 रॉकेट बैरल। IDF ने दावा किया है कि हिजबुल्ला इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्ला ने उन पर पलटवार किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर 150 रॉकेट दागे थे। इनमें से ज्यादातर रॉकेट को आयरन डोम के जरिए रोक दिया गया था। इजरायली शहरों में सायरन बजते ही सेना ने सभी नागरिकों से बम शेल्टरों के करीब रहने की चेतावनी दी है। بحصيلة اليوم الثاني نحن سجلنا حالتين جديدتين كذلك من الشهداء ليصير العدد 27 وبذلك يصبح العدد يعني ما بين الضربات أو يعني اللي صاروا 3 والـ4 وضربة البارحة كلهم بيطلعوا 70 شهيد. حملة بعد ITF نے نورث اسرائيل میں رہ رہے ناگرکوں کے لیے گائیڈ لائنز بھی جاری کی ہے. इसमें उनमें बम शेल्टरों के करीब रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इजरायली नागरिकों को बिना जरूरत सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा न होने की सलाह दी गई है। उन्हें हर कस्बे, इलाके और समुदायों की सही तरह से सुरक्षा करने के लिए कहा गया है। हिजबुल्ला के खिलाफ लगातार हमले कर इजरायल ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि हमास के बाद अब नंबर हिजबुल्ला का आ गया है। हिजबुल्ला वो संगठन है जो इसराइल के खिलाफ लगातार हमले करता रहा है। इस संगठन को ईरान से पैसा मिलता है, इसके लड़ाकों को ईरान ट्रेनिंग देता है, यहाँ तक कि लेबनान में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की मौजूदगी तक है। इसराइल हिजबुल्ला को ठिकाने लगाकर ईरान को क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि पानी सिर के ऊपर निकल गया है और हिजबुल्ला को नेस्तोनाबूद करने की इसराइल ने ठान ली है। यही कारण है कि इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है वो बहुत सोच विचार कर छेड़ा है, बहुत सुनियोजित तरीके से, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिजबुल्ला कमांडर इब्राहिम अकील के बारे में जान लीजिए। इब्राहिम अकील का जन्म 1962 में पूर्वी लेबनान के बालबेक हरमेल प्रांत में हुआ था। इब्राहिम अकील को हज अब्दुल कादर के नाम से भी जाना जाता है। 1980 के दशक में हिजबुल्ला की स्थापना के बाद से ही इसके साथ काम कर रहा था। इब्राहिम 1983 में बेरूत में स्थित अमेरिकी दूतावास और US मरीन बैरक के पास हुए 2 ट्रक बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अमेरिका का आरोप है कि इब्राहिम ने 1982 और 1992 के बीच अमेरिकी और जर्मन नागरिकों के अपहरण करवाए। इब्राहिम के बारे में इससे ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से वो अपने मिशन छिपकर अंजाम दिया करता था। असल में हिजबुल्ला के ज्यादातर टॉप कमांडो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। जुलाई में मारे गए कमांडर फवाद शुक्र के बारे में भी हिजबुल्ला ने ज्यादा जानकारी बाद में बताई थी। इसराइल की नजर हिजबुल्ला के टॉप कमांडो पर है। जो पेजर धमाके हुए उसमें भी कमांडो को ही टारगेट किया गया, जिनकी संख्या 5 से 7 हजार बताई जाती है। यहाँ आपको हिजबुल्ला की हायरार्की समझ लेनी चाहिए, जिसमें उन कमांडो के नाम भी हैं जिसे इसराइल ने ढेर कर दिया। हसन नसरल्ला, हिजबुल्ला चीफ। इब्राहिम अकील, ऑपरेशन हेट। अली करकरी, रीजनल हेट। विसाम अल्तावील,
राडवान यूनिट कमांडर जिसकी मौत 8 जनवरी 2024 को हुई। अब्दुल्ला तालेफ नस्र यूनिट कमांडर का हेड जिसकी मौत 11 जून 2024 को हुई। मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट कमांडर जिसकी मौत 3 जुलाई 2024 को हुई। इसराइल अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता और उनका काम तमाम करने का तरीका भी ऐसा है कि दुश्मनों को भनक तक नहीं लगती। नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि हमलों में आम लोग, महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। इसराइल की दलील है कि जब अक्टूबर 2023 में उसके देश में घुसकर लोगों को मारा गया, अगवा कर लिया गया, तब ये आवाजें कहाँ थी? मासूमों की मौत पर चीखने वाले तब खामोश क्यों थे? नेतन्याहू का साफ कहना है, हमास बंधकों को रिलीज कर दे, वो हमास के खिलाफ हमले बंद कर देंगे। लेकिन हमास ऐसा करने के लिए राजी नहीं है और नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो हमास के अंतिम आतंकी को मौत की नींद सुलाने तक हमले जारी रखेंगे। हिजबुल्ला हमास का सपोर्टर है, लिहाजा अब वो भी जद में है। यही कारण है कि इसराइल के अधिकारियों ने लगातार इस बात के संकेत दिए हैं कि उनका ध्यान अब गाजा पट्टी पर हमास से हटकर लेबनान में हिजबुल्ला की तरफ शिफ्ट हो गया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा है कि अब युद्ध नया चरण में पहुंच गया है। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी धमाके के बाद इसराइल ने गाजा से अपने कई सैनिकों को नॉर्थ इसराइल में लेबनान के साथ सटी सीमा पर तैनात कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्ला के पलटवार करने की सूरत में उसे तगड़ा जवाब दिया जा सके। Amr, we continue to speak every day with our Israeli counterparts about what's going on in Gaza and certainly about the increased tensions along the blue line. That's the border between Israel and Lebanon. Amos was just there recently, so our intensive diplomacy efforts continue. We continue to believe that a diplomatic solution is the best way forward, escalating any of the military conflict. हिजबुल्ला अब तक इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ है। फिलहाल हिजबुल्ला के कई लड़ाके घायल हैं। ऐसे में अगर उसने बड़ा हमला किया तो इसे इसराइल के साथ जंग छेड़ने का खतरा है, जिसके लिए हिजबुल्ला तैयार नहीं दिख रहा है और इसराइल इसी मौके का फायदा उठाकर हिजबुल्ला को रौंद रहा है। तारीख 17 सितंबर, समय दोपहर के 3:30 बजे। लेबनान में एक के बाद एक धमाके होने लगे जो लगभग 1 घंटे तक जारी रहे। इन धमाकों का तरीका आम नहीं था। इतिहास में पहली बार पेजर में ब्लास्ट हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों का मकसद चंद मिनटों में 4,000 हिजबुल्ला कमांडरों को मारना था, जिन्हें इजराइल दुश्मन मानता है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई तो वहीं हजारों घायल हुए। हिजबुल्ला अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर हुए धमाकों से उबर ही रहा था कि अगले ही दिन तारीख 18 सितंबर, समय 4:00 बजे, वॉकी चौकी में धमाके होने लगे। हमले में 25 लोग और मारे गए। दोनों घटनाओं में 37 मारे गए। लगातार 2 दिन हुए हमलों के बाद हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने इसराइल से बदला लेने की कसम खाई है। 19 सितंबर के शाम को दिए भाषण में नसरल्ला ने कहा, मैं पलटवार के लिए समय, जगह और तरीके का जिक्र नहीं करूँगा, पर इसराइल को जवाब जरूर मिलेगा। الجميع بيعرف انه كانت الفرق الاسعافيه والانقاذيه والدفاع المدني عم يشتغلوا يعني امبارح من بعد الضرب الى طول الليل الى الان بازاله الركام ولحتى نحن نقدر نستخرج الجرحى والضحايا. 3 महीने पहले 30 जुलाई को हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत इजरायली एयर स्ट्राइक में हो गई। इसके अगले ही दिन ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। दोनों मौतों के बाद से ही लेबनान और इजरायल के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। तभी अचानक इजरायल ने 100 फाइटर जेट्स के साथ लेबनान पर अटैक कर दिया। इजरायल ने कहा कि उन्हें लेबनान की तरफ से हमले की आशंका थी, इसलिए पहले ही अटैक कर दिया। अचानक हुए हमले का बदला लेने के लिए हिजबुल्ला ने भी इजरायल पर 320 रॉकेट दागे, लेकिन इजरायल की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव के जरिए इसराइल को गाजा छोड़ने की डेडलाइन दे दी है। इस प्रस्ताव पर वोटिंग के जरिए इजराइल से कहा गया है कि वो 1 साल के भीतर फिलिस्तीनी कब्जे वाले इलाके से हट जाए। वोटिंग में इजराइल के खिलाफ 124 वोट पड़े हैं, जबकि 14 वोट समर्थन में हैं और 43 सदस्य वोटिंग में शामिल नहीं थे। माना जा रहा है कि ये वोट इजराइल के लिए एक चुनौती पेश करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की स्थिति को और कमजोर कर सकता है।
इस प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र की अदालत यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से की गई टिप्पणी का समर्थन किया है। इस टिप्पणी में कहा गया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इसराइल की उपस्थिति गैर कानूनी है, इसे समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये इसराइल है, सुनने की लत वाला देश नहीं। इतिहास में दर्जनों ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि इसराइल अपने खिलाफ उठी गर्दन को बड़ी बेरहमी से मरोड़ देता है। इसराइल अभी रुकता नहीं दिख रहा है, जब तक कि हिजबुल्ला, हमास और हुथी का फुल एंड फाइनल हिसाब किताब ना कर दें।